2016 की अपेक्षा अगर 2017 में देखा जाए तो नवी मुंबई महानगर पालिका प्री मानसून को लेके, खासतौर पर आपको बताना चाहेंगे कि प्री मानसून को लेके कुछ खास नज़रिया नहीं दिख रहा है साफ़ सफाई को लेके। आप देख सकते हैं चाहे वो बड़ा नाला हो या फिर इंडस्ट्रियल एरिया का छोटा गटर हो, आप देख सकते हैं कि सभी जगह गंदगी का माहौल फैला हुआ है। इसी मुद्दों को लेके नवी मुंबई आवाज़ ने जायज़ा लिया है नवी मुंबई शहर में कि किस तरह की कंडीशन सामने नज़र आ रही है। आप खुद देख सकते हैं कि इस नाले में किस तरह की कंडीशंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं ढेर सारे प्लास्टिक व अन्य कचरे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरह नाले में जो चौकअप होता है पहले ही बारिश में इस तरह का माहौल दिखता है। इसी मुद्दे को लेकर 2016 में काफ़ी साफ सफाई की गई थी, लेकिन 2017 में इस मुद्दे को लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी या फिर कर्मचारी खास तौर पे तैयार नहीं दिख रहे, ऐसा लोगों का मानना है। तो आइए मिलते हैं हम उन लोगों से जो नवी मुंबई शहर में कई सालों से रह रहे हैं और किस तरह की साफ़ सफाई का माहौल है 2017 में। इसी मुद्दे को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ खास नज़रिया है नवी मुंबई में साफ़ सफाई और स्वच्छता को लेकर। नवी मुंबईकर से पूछिए कि आज वो तुकाराम मुंडे जी को कितना मिस कर रहे हैं। 2016 में जो मुंडे साहब ने अभियान चलाया था स्वच्छता का, बहुत बेहतरीन चलाया था। आज हम हर जगह पे विज़िट कर रहे हैं, MIDC के नालों में, APMC मार्केट के नालों में, सेक्टर 29 के नालों में, हर जगह पे गंदगी है। आज जून का महीना चालू है और अभी तक कोई नालों में साफ़ सफाई नहीं हुई है, गटर साफ़ सफाई नहीं हुए हैं और बरसात शुरू हो गई है। नवी मुंबईकर परेशान है आज कि बरसात सर होने के बाद भी ये सब नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? प्रशासन को यही कहना चाहूंगा कि नवी मुंबईकर की हेल्थ को लेके लाइटली नहीं लिया जाए और जल्द से जल्द ये साफ सफाई का अभियान चालू किया जाए। अभी आप सेक्टर 9A गुरुद्वारे के पीछे जहाँ पे फल वाले और सब्जी वाले बैठते हैं वहाँ पे जाके देखिए तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है। अब वो मिट्टी में, गंदगी में मच्छर भी हैं, बीमारियाँ भी हैं और गंदी बास भी है। वहाँ पे जो फ्रूट और फल बेच रहे हैं उन लोग की भी सेहत के लिए तकलीफ़ है और जो हजारों लोग, हम जैसे लोग वहाँ पे खरीदी करने जा रहे हैं, हम लोग को भी उस बीमारियों का डर है। तो जो प्रशासन है उनको ये सब चीज़ का ख्याल नहीं रखना चाहिए? हर रोज़ उनको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई नवी मुंबईकर की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। नवी मुंबईकर को मैं आज उनकी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बराबर काम बिल्कुल नहीं कर रही है और खोखले दावे हैं कि नवी मुंबईकर इज सेफ और काम पूरा हो चुके हैं। दिस इज़ अ फॉल्स रिपोर्ट। 2017 में जो काम प्री मानसून एक्टिविटीज होना चाहिए, क्लीनिंग होना चाहिए, ये बिल्कुल हुआ नहीं है। अभी बारिश आने को चालू है, किधर किधर अभी भी काम चालू किया गया है जिसकी वजह से पूरा एरिया में पानी जम के लोगों के ट्रैफिक को और लोगों के आवाज जावत को रुकावट हो सकती है। और साफ़ सफाई तो राम भरोसे ही है। आप अगर थोड़ा भी इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं तो आप देख लीजिए कहीं नाला के ढक्कन खुले हैं, कहीं नाला अंदर गया हुआ है। यानी सब जगह में जो कचरा उठा के रखा हुआ है वो उठा के लिफ्टिंग भी नहीं हो रहा है। इधर ही आप देख सकते हैं अभी अभी नाले के ढक्कन खोल के साफ सफाई का काम चालू है। जब पानी जो बारिश गिरने का समय ऑलरेडी हुआ है, बारिश गिरना भी चालू हुआ है, वो काम कब होगा कब नहीं होगा बता नहीं जा सकता। लास्ट टाइम में 2016 का प्री मानसून एक्टिविटी जब ये इफेक्टिव कर्तव्यगार अधिकारी थे तो वो टाइम में वार फुटिंग में काम चल रहा था। ऑलमोस्ट 70-80% नाला का सफाई मानसून से पहला हुआ था। ये साल तो सब काम राम भरोसे चल रहा है। ऐसे हिसाब से नवी मुंबई के जनताओं को अपने अपन चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने ग्रांटेड लिया है और राम भरोसे छोड़ दिया है। तो नवी मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, उनको मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वो लोग आए, जगह में देखे और जनता का और नागरिक का सुविधाओं का ख्याल रखे। उनका सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए ही उनको चुन के दिया गया है, नहीं तो जनता नेक्स्ट टाइम उनको नेस्तनाबूद कर देगी। हम इधर घनसोली में रहते, उधर भी साफ सफाई कुछ है ही नहीं अभी तक। पहला 2016 में था, ये साल अभी तक कोई दिखा नहीं। पूरा एकदम साफ सफाई था। बारिश का पहला एक दो महीना पहला
साफ कर रहा, ये साल कोई नहीं दिख रहे। वही बारिश हो जाएगा तो पानी पटक करके भर जाते कचरे से, वही साफ सफाई होना बनता है, होएगा तो अच्छा है बारिश का पहला। मैं वाशी सेक्टर 2 में रहता हूँ। लास्ट टाइम नोटिस किया था कि मानसून से पहले एक्चुअली सारे गटर्स की सफाई हुई थी, मतलब जहाँ जहाँ यहाँ भी एरिया में, बाकी एरिया में भी आगे पीछे सब, बट इस बार तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिला कि मानसून से पहले। मैं भी वही सोच रहा था कि सफाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि गंदगी भी है और मानसून से पहले तो होना ही चाहिए। इस बार तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे, तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि इस बार थोड़ा सा उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लास्ट ईयर तो अच्छा था, तो फिर करना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो गटर में साफ़ सफाई होना ही चाहिए, क्योंकि बारिश जमा पानी होगा, फिर पानी का भी किल्लत होगा, फिर और फिर बीमारियाँ भी होती है बहुत सी, वो भी होगा। मेरा मैसेज यही है कि उनको ध्यान देना चाहिए इस पर ज़्यादा, और फोकस करना चाहिए इस पर कि साफ़ सफाई बराबर हो। हालांकि और सब साफ़ सफाई के मामले में और सब तो हो रहा है, लेकिन ये जो मानसून से पहले गटर की सफाई होती है या नाले की, ये इस बार नहीं देखने मिली, तो मेरे हिसाब से उनको फोकस करना चाहिए। बाकी तो ठीक है, लेकिन इस बार तो उन्होंने इसमें कमी रखी है थोड़ी।